तीसरे चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम की राजधानी गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात करते हुए कांग्रेस को घेरा। अमित शाह ने मीडिया को बताया कि लोकसभा चुनाव के दो चरणों के बाद उनकी पार्टी के आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार भाजपा और साथी पार्टी मिलकर 100 सीटों से अधिक जीत चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि जनता के आशीर्वाद से उनकी पार्टी 400 के लक्ष्य को पार कर लेगी। और इसी के साथ जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना मामले में भी उन्होंने पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए बताया कि भाजपा देश की मातृशक्ति के साथ है। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हृदय से स्वागत है। मित्र, आप सभी जानते हैं 7 चरण के चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। इस 2 चरण में हमारी पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है, इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज्यादा आगे हम निकल चुके हैं और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए हैं। आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों में हमें बहुत बड़ी चुनावी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, केरल और तमिलनाडु, इसमें से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 3 राज्यों में मतदान हो चुका है, कुछ बाकी है। परंतु जो शुरुआती ट्रेंड मिले हैं, दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसके कारण हमारा 400 पार का लक्ष्य हम निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे। ये हम सबका विश्वास बना है।